तो भाई हो गया है बहुत ज़्यादा दिक्कत, ये चढ़ान सब में चढ़ ही नहीं रहा है। पहली बार ये सिस्टम का मुझे बाइक में सही उपयोग लग रहा है। क्या करूँ, रेनकोट पहन लूँ या बढ़ते चलूँ? तो एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था इस थ्रॉटल का, तो इसका टोटल प्राइस था भाई 100। स्वागत है आपका फिर से इस ब्रांड वीडियो में, और एक नए व्लॉग की शुरुआत होती है। तो एक्चुअली में आज वीक डेज है, बट फिर भी हमें बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि ये हमारे बीबी जी, इसका हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो बात ऐसी है, तो लास्ट टाइम से जो अपन की गाड़ी में एरर आ रही है वो हट ही नहीं रहा है। तो बेसिकली हमारा ये थ्रॉटल काम ही नहीं कर रहा है, देख सकते हो। तो भाई हो गया है बहुत ज़्यादा दिक्कत, ये चढ़ान सब में चढ़ ही नहीं रहा है, अभी उतर कर ढकेलना पड़ गया। तो कोशिश करता हूँ कि प्लेन वाले रास्ते चलते हैं कि इतना परेशानी ना हो। आई गेस रोड में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट मुझे इधर का रास्ता भी नहीं पता है कहाँ लेके जा रहा है ये रोड। स्ट्रगल देख रहे हो यार, ये हल्का सा चढ़ान है बस, यहाँ चढ़ने में भी बहुत बुरा हाल हो गया है। चढ़ जा भाई, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, चढ़ गया। अच्छा अपन खिलगांव वाले साइड से नहीं गए, उधर तो चढ़ना से रहता। हाँ तो बात ऐसी है कि अपन ले जा रहे हैं इसको सर्विस केयर, बिकॉज ये सेंसर का इशू है या स्विच का इशू है या केबल का इशू है हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो ये जब टेस्ट होगा तभी जाके पता चलेगा कि भाई इसमें क्या दिक्कत है। बट जहाँ तक हमारी बात हुई वो बोल रहे थे शायद गाड़ी भींगा है इसलिए इसका सेंसर में इशू आ गया है, बट लेट्स सी। और ये वारंटी में भी कवर हो जाएगा, हो जाए तो बढ़िया यार, वैसे भी अपन वॉलेट लाए नहीं है। और शायद ये थ्रॉटल का इशू है तो शायद इस तरह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो इंजन में तो इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कॉज ये अपने आप भाग रहा है तो शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे अभी सुबह का टाइम हो रहा है 9:40, मैं सोचा कि मैं 10 बजे तक सबसे पहले पहुँच जाऊँगा और सबसे पहला काम करवा के निकलूँगा। और अपन लैपी भी ले लिए ताकि अगर काम थोड़ा डीले हो तो अपन वहीं पर बैठ के काम भी कर ले, क्योंकि मैंने छुट्टी आज लिया नहीं है। सो इट इज़ लाइक दैट, ऐसे रोड में तो दिक्कत नहीं होगा, आराम आराम से चली जाएंगे। अरे भैया ये लोग हाथ देता है, इंडिकेटर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है ये लोग के पास। हाँ भाई जाओ तुम ही ओवरटेक करो। और क्या ही गर्मी हो रही है यार, पसीना पसीना हो जा रहे हैं भाई। रात में बारिश हो रही थी बट अभी पता ही नहीं चल रहा कि रात में बारिश भी हुई थी, इनफैक्ट शाम से ही बारिश होने लगा था बहुत। धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। और एक्चुअली में शायद हमें लग रहा है कि फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है ये, कुछ देर पहले अभी 85 किलोमीटर चलता अब चलेगा 78। वैसे कल से ये गाड़ी चला रहा हूँ ना, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं इलेक्ट्रिक साइकिल जैसा। अरे भैया कहाँ उड़ के जाना, इतना हॉर्न मारते हो ना यार। हाँ तो मैं बोल रहा था कि ऐसे लग रहा है जैसे साइकिल चला रहे, इलेक्ट्रिक साइकिल, कि जितना मन चाहे थ्रॉटल खींच लो आगे गाड़ी भागेगा ही नहीं। बट चलो एटलीस्ट 20-30 के स्पीड में तो जा रहा है। पहली बार ये सिस्टम का मुझे बाइक में सही उपयोग लग रहा है, कार में तो चलो अच्छा लगता ही था कि भाई बिना थ्रॉटल ये अपने आप एक नॉर्मल स्पीड में आ जाता है, नॉर्मल स्पीड मतलब हल्का सा स्पीड आ जाता है, नहीं तो गाड़ी चलने का कोई चांस ही नहीं था। और कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रेकर समय भी हमें ब्रेक ना मारना पड़े कभी, फालतू में जितना स्पीड ये कैप्चर कर रहा है सारा फिर से निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। ओ ये हम ऑटो से भी तेज चल सकते हैं। ओह माय गॉड इट्स रनिंग 36। वैसे मैं 5 गियर में आ गया हूँ अभी, एक बार ज़रा देख ले, ये इंजन पहुँच गया 95 डिग्री सेल्सियस में। आज तो पक्का लग रहा है कि 1 घंटा लग जाएगा जाते जाते, आधा घंटा तो हो ही गया है ऑलमोस्ट, और हम अभी तक ये बूटी मोड़ पार नहीं किए अच्छे से। तो हाईवे पहुँच के एक ब्रेक लेते हैं यार, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो गई है और चल तो वैसे भी नहीं रही है। सीधा रोड रहता तो बराबर चलती है, उबड़ खाबड़ रोड आने के बाद इसका तो हालत ख़राब होने लगता है।
अरे यार सिर्फ आधे घंटे के लिए ठीक हो जाओ यार, ऐसे जाते जाते मैं ना बहुत ज़्यादा अब नींद आ रहा है मुझे, वैसे भी नींद अच्छे से लिए नहीं थे। अगर हमारी गाड़ी चलती नहीं तो कुछ ऐसा हालत होता, धकेल के लेके जाओ तब और ज़्यादा बुरा हालत हो जाता। और ये लोग बीच में पूरा ये डिवाइडर लगा रहा है भाई कि रोड ही अलग कर देगा। चलो ये भी सही है, प्री ओन वैल्यू। ढलान में चलाने में मज़ा आ रहा है बट जहाँ चढ़ान आ रहा है वहाँ मज़ा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। बारिश, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आधे घंटे रुक जाओ, आधे घंटे में तो पहुँच जाएंगे। कॉज एक तो गाड़ी वैसी नहीं चल रही है, ऊपर से बारिश होगा तब क्या ही किचकिच हो जाएगा। एक तो जाम, ये पूरा पेड़ को काट रहा है ये लोग रोड बनाने के चक्कर में, और ये पेड़ भी गिरा दिया। वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है वो नीचे तक, क्योंकि ये पूरा स्लोप है, और उसके बाद जो सीधा ऊपर चढ़ते गया है ना यार, वहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाला है। आहा, बारिश इधर तेज़ हो रहा है, स्पीड तो हमें 40 मिल गया है यहाँ पे, बट रेनकोट पहननी पड़ेगी। क्या करूँ, रेनकोट पहन लूँ या बढ़ते चलूँ? बढ़ते चलूँ, बढ़ते चलूँ, बढ़ते चलूँ। अबे यार, कैमरा भी रखवाएगा, रेनकोट भी पहनवाएगा, पहन ही लेते हैं भाई। वैसे लैपी सब था इसलिए अपन रेनकोट भी पहन लिए, और लग नहीं रहा है कि ज़्यादा देर बारिश होगा। आज तो चढ़ान सब में मुझे ट्रक लोग का याद आ जा रहा है कि वो लोग पूरा भाई पैडल दिए जाता है लेकिन गाड़ी ही नहीं चढ़ पाता है स्पीड से, तो आज वो हालत मेरा हो गया है। चलो अब ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से एक ढलान फिर एक चढ़ान पहुँच जाएंगे अपन। इधर तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा बारिश हुआ है, चढ़ान में ऑटो को मैंने पीछे कर दिया था, क्योंकि ढलान में मुझे पीछे कर दे रहा है। अरे भाई ब्रेक ना मारो, ब्रेक नहीं मारो। अरे भैया ये लोग ना, चलो अब पहुंच जाएंगे भाई। अब जितना ज़्यादा इसमें अलर्ट दिखाना है दिखाओ यार, सब कुछ दिखाओ ताकि भाई पूरा इलाज हो। और हमारे राइट साइड में है भाई जूलॉजिकल पार्क, सुबह सुबह यहाँ भीड़ हो गया है बताइए। चलो पहुँच तो गए BMW। सो महंगी जगहों में स्वागत है, ये बीच में क्यों लगा कर रख दिया यार। 2 hours later। सो फाइनली इतना घंटा के बाद अपना काम हो गया। ज़रा देख सकते हो कुछ ये है, एक फ़ोटो ले लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली इतने देर के बाद अपना काम हो गया, और अभी का टाइम हो रहा है 3:30। जस्ट इमेजिन कितना टाइम लग गया। थोड़ा पुल करते हैं, वो वो वो, ये गाड़ी गिर गया या फंस गया है, इधर कैसे आ गया यार? शायद साइड में लगाया है क्या? तो एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था इस थ्रॉटल का। तो भाई ये जो थ्रॉटल होता है ये कनेक्टेड होता है वायर से, और वायर कनेक्टेड होता है सेंसर से, तो ऐसे काम करता है राइड बाय वायर। तो ये पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। तो इसका टोटल प्राइस था भाई 12,000 रुपये, बट लकी मी ये वारंटी के अंदर चेंज हुआ, तो भाई अपना पैसा बच गया। नहीं तो बस इस छोटे से चीज़ के लिए भाई 12,000 रुपये देना पड़ता, समझ रहे हो, 12,000 रुपये। और साथ में अपन ने एयर फिल्टर भी चेंज करा लिया, क्योंकि एयर फिल्टर थोड़ा सा गंदा हो गया था, और मैं सोचा कि राइड से पहले अगर कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली मैं गाड़ी मेरा बहुत जल्दी बन गया था, बट जो ये वारंटी का प्रोसेस है इसमें ज़्यादा टाइम लग गया था मेरा, इसलिए भाई इतना घंटा मुझे बैठे रहना पड़ गया। बट नो वरी, अपन यहाँ पर बैठ के काम भी कर रहे थे तो कोई इशू हुआ नहीं। अब घर चलते हैं, एक दो बार और लॉग इन करते हैं, और उसके बाद कर लेंगे आज के लिए लॉग ऑफ। और लास्ट टाइम भी मेरा इशू हुआ था इस थ्रॉटल पे, तो उस टाइम भी मेरा ये वारंटी में बन गया था, तो वो पैसा ही बचा था मेरा। भाई BMW काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस गाड़ी है यार, कोई भी गाड़ी ले लो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। और एक्चुअली में हर एक पार्ट हमें मिलता भी नहीं है बाहर, कि हम बाहर से रिपेयर करा ले। ये लोग कहाँ कहाँ चला रहा है यार,
वैसे गाड़ी तो अभी मस्त चल रहा है और कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, तो बस ये ब्रेक पैड चेंज करा लूँगा कुछ टाइम पे, उसके बाद तो हम डन, ट्रिप रेडी। अगर तभी इस रोड से आता तो मेरा गाड़ी चढ़ता ही नहीं। तो चलो भाई, आज का काम तो अपना हो गया मस्त टाइप से, गाड़ी को अब संभाल के रखना है यार, हार्डकोर ऑफ रोड भी नहीं करना है अब इससे। तो चलो फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं यार, पसंद आएगा तो भाई लाइक कर सकते हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और ऐसे ही खर्चीला वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहो भाई, आते रहेगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।